वहीं खबर चरखी दादरी से है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन को तेज कर दिया है। दरअसल निजी बसों को रोडवेज बेड़े में शामिल करने की मांग इन कर्मचारियों की ओर से लगातार उठाई जा रही है। आपको यहां ये भी बता दें कि टेंडर रद्द करने का फैसला वापस लेने पर कर्मचारी भड़क उठे हैं। टेंडर वापस लेने की बात पर इन कर्मचारियों के द्वारा ये रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से ये प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चरखी दादरी से हमारे संवाददाता प्रदीप साहू जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस तरह से रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे उठाई जा रही हैं इन कर्मचारियों की ओर से? देखिए, नहीं तो हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उन्होंने दादरी बस स्टैंड पर यहाँ गेट मीटिंग की और गेट मीटिंग के बाद में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों का जो कहना है कि 510 जो निजी बसों का जो टेंडर रद्द किया गया था सरकार द्वारा, उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है और इसी के विरोध में कर्मचारियों ने यहाँ पे 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया और साथ के साथ अल्टीमेटम भी दिया कि अगर उन सरकार या तो टेंडर जो रद्द करने का जो फैसला है उसको वापस ले, वरना आगामी 22 सितंबर को पानीपत के इसराना में परिवहन मंत्री के जो वहाँ पे शहर है वहाँ पे रोष प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में जल्द ही कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। जी, इसके अलावा क्या निजी बसों को रोडवेज बेड़े में शामिल करने की मांग भी उठाई जा रही है इन कर्मचारियों की ओर से, और अभी क्या कुछ बयान सामने आया सरकार की ओर से? लेकिन तो कर्मचारी नेताओं का ये कहना है कि जो 510 निजी बसों को सरकार रोडवेज बेड़े में शामिल करने का प्रयास कर रही है, और इसके अलावा जो कर्मचारियों 18 दिन की जो हड़ताल चली थी उस दौरान कर्मचारी को जो प्रताड़ित किया गया, उन कर्मचारियों पर जो आरोप लगाए, चार्जशीट जो दाखिल हुए उनको भी वापिस करने की मांग कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही है। जी, यानी कि सभी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदीप, अपनी मांगों को लेकर और सरकार की ओर से क्या कुछ अभी बयान सामने आया, क्या इनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है? देखियो, फिलहाल जो तालमेल कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा ये सरकार से वार्ता भी हुई थी, बावजूद इसके वार्ता सिरे नहीं चढ़ने के बाद इस तरह का जो तालमेल कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल पर भी जा सकते हैं।